पॉजिटिव। जयपुर में 8 और पॉजिटिव केस। राजस्थान में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 78। देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वही राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या सोमवार शाम को 78 पहुंची, जबकि जयपुर के रामगंज में 8 पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। ये सभी मरीज पहले से ही पॉजिटिव आए व्यक्ति के रिश्तेदार थे। पिछले दिनों विभिन्न चरणों में ईरान से एयरलिफ्ट करके राजस्थान के जोधपुर जिले में लाए गए भारतीयों में से सोमवार को 7 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये 7 लोग 25 मार्च को ईरान से राजस्थान लौटे भारतीय दल में शामिल थे। इनको मिलाकर अभी राजस्थान में कुल 78 पॉजिटिव केस है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज भीलवाड़ा में है। वही 26 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं भीलवाड़ा से। इसके अलावा जयपुर में 20 और झुंझुनू में 7, जोधपुर में 7, अजमेर में 4, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में 2, चूरू सीकर और अलवर और पाली में 1-1 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की सोमवार तक संख्या 1,071 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है और इनमें 29 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त लव अग्रवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के नए केसों में 92 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 4 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 99 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राजस्थान के 128 कस्बे में 11,440 गाँव में पेयजल का संकट। हाथ धोने को गाँव में 10 और शहरों में 20 लीटर पानी हो रहा है खर्च। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए WHO व सरकार ने प्रदेश की जनता को बार बार हाथ धोने की सलाह दे रखी है, लेकिन हालात ये है कि प्रदेश में 5 जिलों के साथ 128 कस्बे में 11,440 गाँवों से ज़्यादा गाँव धाड़ियों में साफ पीने का पानी की दिक्कत है। ज़्यादातर शहरों व गाँवों में पीने की पानी की किल्लत है। अब लोगों के सामने ये संकट है कि अब पानी पीने के काम में ले या फिर हाथ धोने के। लॉकडाउन के बीच कस्बे में गाँव के लोगों में पानी लाने के बीच में घर से निकलना ही पड़ता है। करीब 84 लाख घरों में सरकारी नल नहीं है। अब जल जीवन मिशन में उन्हें जोड़ना है। सरकार ने एक सप्ते पहले गर्मी को देखते हुए टैंकरों के लिए बजट दे दिया था, लेकिन अभी तक ये मामला टेंडर में उलझा हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक हाथ धोने पर हर व्यक्ति को गांव में 10 लीटर व शहरों में 20 लीटर पानी खर्च हो रहा है। विभाग ने केवल बिसलपुर प्रोजेक्ट से जुड़े केवल जयपुर शहर में पिछले सप्ताह 4 लाख लीटर पानी बढ़ाया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कस्बों में गाँव में भी शौचालय बढ़ गए हैं, लेकिन पानी का इंतजाम करने का मापदंड सालों पुराना ही है। लोग नहाने के बाद पानी को शौचालय में डालने में काम ले रहे हैं। प्रमुख सचिव राजेश यादव ने कहना है कि पेयजल की सप्लाई बढ़ रहे हैं, पेयजल सप्लाई बढ़ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में एक साथ कांग्रेस सत्ता संगठन पायलट ने की कोरोना के लिए उठाए गए कदमों की सराहना। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए सोमवार को भी CMR में बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और डिप्टी CM सचिन पायलट भी मौजूद रहे। पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की और बैठक में कोरोना संक्रमण के हालात पर चर्चा हुई। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश के किसानों को राहत दी। 3 लाख तक के कर्ज लेने वाले किसानों के लिए कर्ज अदायगी की सीमा बढ़ा दी। CM गहलोत ने किसानों की कर्ज की अदायगी की सीमा बढ़ा दी है। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि किसान, गरीबों व बाहर से आने वाले लोगों पर बैठक में चर्चा हुई है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सभी मंत्रियों ने अपनी राय दी है, सरकार पूरी तरह इस मामले को लेकर संवेदनशील है। पूरे राजस्थान में कोरोना के बचाव के लिए लॉकडाउन है, ऐसे में जयपुर शहर में तमाम मार्गों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बाहरी राज्यों से पलायन करके आ रहे मजदूरों के लिए शेल्टर होम स्थापित किए गए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर 224 वाहन उल्लंघन करने वाले 224 वाहन जब्त किए गए और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा, प्रदेशवासियों के हौसले के आगे घुटने टेकेगा कोरोना। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि वीरों की तरह राजस्थान ने कभी झुकना नहीं सीखा है। प्रदेशवासियों के हौसले और सजगता के आगे कोरोना को घुटने टेक नहीं होंगे। यह महामारी भी प्रदेश में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन अपने घरों में लॉकडाउन की पालना कर इस राजस्थान स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश को बेहतर उपहार दे सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर सूबे की सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के कुचक्र को तोड़ने के लिए सुविधा चिकित्सा विभाग
की एक्टिव सर्विसेज टीम 2,36,000 दलों ने राज्य में 71,00,000 और 51,000 से ज्यादा परिवारों के और 2,42,41,000 सदस्यों की व्यक्तिगत स्क्रीनिंग की है। इसके अलावा पेसिव सर्विसेज यानी ODP में 27,08,745 रोगियों की स्क्रीनिंग की है। इस कदम से न केवल बढ़ते कोरोना के संकट पर रोक लगी है बल्कि भविष्य के लिए योजना में बनाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए 1600 लोगों की टेस्टिंग कर उसके सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश के जिलों में 154 लोग अभी भी आइसोलेशन में भर्ती है। डॉक्टर शर्मा ने दावा किया कि राज्य में स्थिति काफी हद तक काबू में है। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा ने भीलवाड़ा के प्रशासन और चिकित्सा टीम को बधाई देते हुए कहा कि जिस ढंग से सर्विसलेस चिकित्सा टीम वहां के एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करने का काम किया है वह वाकई ही काबिले तारीफ है। इस स्क्रीनिंग ने भीलवाड़ा में कोरोना की महामारी को रोकने में महाभूमिका निभाई है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन उपलब्ध है। वेंटिलेटर्स की तादाद भी आज की जरूरत के अनुसार काफ़ी है। भविष्य के हिसाब से और भी इसकी खरीद प्रयुक्त जारी है। राज्य की आवश्यकता के अनुसार जितने चाहिए उतने ही खरीदे जा सकेंगे। राज्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अन्य विभागों को जो स्टॉक पोस्ट बनी है उनकी बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मजदूरों का पलायन सबसे बड़ी चिंता का कारण है। दो दिन पहले भारत सरकार से मिले निर्देशों के अनुसार मजदूरों को साधन करके उनके राज्य भेजा जा रहा है। भारत सरकार के ही निर्देशों के अनुसार उन्हें जहां है वहीं रखा जाए। इस बारे में सभी जिला कलेक्टर को कहा गया है उनके आवास भोजन और स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए ताकि कोरोना के प्रकोप को राज्य में फैलने से रोका जा सके।